कोटा विकास प्राधिकरण नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नयापुरा रत्ना नर्सिंग होम से स्टेशन रोड गांवड़ी तक करीब 2 किलोमीटर तक अतिक्रमण हटाया। करीब 3 घंटे चली इस कार्रवाई के दौरान नयापुरा थाने के सामने जैकेलोन अस्तराहा एम अस्पताल कलेक्ट्रेट उम्मीद पार्क नयापुरा बाग और साथ ही सीबी गार्डन तक कच्चे व पक्के अतिक्रमण हटाए गए। एम अस्पताल के सामने बरसों से जमे हुए अतिक्रमियों को यहां से हटाया गया। अतिक्रमण प्रभारी लोकेंद्र पालीवाल ने बताया कि नयापुरा विनायक कॉम्प्लेक्स के सामने अतिक्रमण के कारण 80 फीट की सड़क केवल 20 फीट की होकर रह जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि इस रास्ते पर 2 बड़े अस्पताल होने के कारण आए दिन एम्बुलेंस का आवागमन रहता है, लेकिन जाम के चलते कई बार एम्बुलेंस यहाँ पर फंस जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि अदालत व कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर भी काफी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिनको कि आज हटाया गया है। वहीं बताया गया है कि आगे भी ये जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी। इस दौरान नगर निगम के DYSP बाबूलाल रेगर के अनुसार तहसीलदार नयापुरा थाना साथ ही होमगार्ड के जाप्ता भी वहां पर तैनात रहा। अतिक्रमण हटाने के दौरान नयापुरा थाने के नजदीक बिल्डिंग मालिक ने एक संकड़ी गली में अतिक्रमण कर रखा था, जिसे भी हटाया गया। शहर के आवागमन को सुचारू करने के लिए जो लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, उसमें आज रत्ना नर्सिंग होम नवल चौराहे से लेकर और कलेक्ट्री चौराहे तक अदालत के आसपास का जो एरिया है उसमें जो भी सड़क पर अतिक्रमण हो रखे हैं स्थायी या अस्थायी, उनको पूर्ण रूप से हटाया जा रहा है और भविष्य में पुनः अतिक्रमण नहीं करें इस हेतु पाबंद भी किया जा रहा है। अव्यवस्थित लोगों के वाहन पार्किंग और ये अस्थायी रूप से जो लोगों द्वारा फल फ्रूट के ठेले या अन्य गुमटियों द्वारा जो अतिक्रमण किया जा रहा है उनके कारण शहर की रोडें कुछ सकड़ी हुई हैं, तो इस अतिक्रमण की कार्रवाई द्वारा उन्हें पुनः चौड़ा और विस्तृत